नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों। लुधियाना में एक ही परिवार के सात लोग जिंदा जले, सभी बिहार के थे। लुधियाना में एक झोपड़ी में बुधवार तड़के लगी आग में एक ही परिवार के सात सदस्य जिंदा जल गए। हादसे में एक दंपत्ति और उनके पांच बच्चों की मौत हो गई है। मृतक परिवार बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। जांगीरपुरी में बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हिंसा प्रभावित जांगीरपुरी इलाके में प्रशासन के अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर फिर से लगेगा जुर्माना, स्कूल नहीं होंगे बंद। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर मास्क की वापसी हो गई है। बुधवार को हुई डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चलता रहा बुलडोजर मस्जिद के गेट के पास की तोड़फोड़। एमसीडी ने कहा, हमें कोर्ट के आदेश की नहीं मिली कॉपी। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर कोर्ट ने रोकने का आदेश दिया, जिसके बावजूद कार्रवाई नहीं रुकी और बुलडोजर लगातार 2 घंटे तक चलता रहा। शांति की दिशा में अहम कदम, नागालैंड में हथियारबंद गुटों के साथ केंद्र ने बढ़ाया 1 साल का सीजफायर। पूर्वोत्तर के नागालैंड और आसपास के इलाके में सक्रिय कथित आतंकी हथियारबंद 3 गुटों से केंद्र सरकार ने 1 साल का सीजफायर बढ़ा दिया है। जहांगीरपुरी से हथियारों का सप्लायर गिरफ्तार, हिंसा के लिए हथियार सप्लाई करने का शक, 60 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी ब्रिजेंद्र यादव ने बताया कि हथियारों की सप्लाई करने वाले शख्स के ऊपर पीछे करीब 60 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। दिल्ली एजुकेशन सिस्टम को भूटान करेगा अपने देश में लागू, सरकार बोले रिश्ते होंगे और मजबूत। भूटान ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की उद्यमिता और मानसिकता पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन को समझते हुए इसे अपने स्कूलों में शामिल करने की जिज्ञासा दिखाई। देश में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, कल की तुलना में 66% ज्यादा केस, 40 की मौत, एक्टिव मामले भी बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2067 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल एक्टिव मामले बढ़कर 12,340 हो गए। दिल्ली में मिलने वाली है गर्मी से राहत, आंधी के साथ होगी बारिश, प्रदूषण बढ़ा। आईएमजी के मुताबिक दिल्ली में इस समय मौसम में अब तक 7 दिन ऐसे दर्ज किए गए हैं जब लू के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद है। दिल्ली में मास्क पहनना फिर से जरूरी, नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ के बीच आज डीडीएम की मीटिंग हुई है। आपको बता दें, इस बैठक में मास्क ना लगाने वालों पर एक बार फिर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। अगली खबर एमपी से है, बिजली विभाग का गजब कारनामा, बंद पड़े घर का भेज दिया 8 लाख रुपए बिल। अशोकनगर जिले के सचिन जैन नामक युवक का एक मकान दुबे कॉलोनी में स्थित है। उनके इस मकान का बिजली विभाग ने 8 लाख रुपए बिल दे दिया है। खरगोन दंगे में शामिल 2 आरोपियों पर लगाया गया रासुका, मामले में अब तक 153 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, आगजनी और हिंसा के 2 आरोपियों पर रासुका लगाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में अब तक कुल 153 लोगों पर कार्रवाई। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का देखा प्रेजेंटेशन, 5 साल के लिए दिया टास्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विभागों की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद सीएम ने योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। हरिद्वार में मां मनसा देवी के नाम पर बनाया फर्जी ट्रस्ट, मुकदमा दर्ज। कुछ लोग मां मनसा देवी ट्रस्ट के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर चंदे की अवैध उगाही में लगे हुए हैं। कोतवाली हरिद्वार पुलिस ने मनसा देवी ट्रस्ट की शिकायत एक ऐसे ही एक फर्जी ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस, तस्वीर ट्वीट कर कविराज कोहली भगवंत मान को धोखा देंगे अरविंद केजरीवाल। आपके खिलाफ टिप्पणियों के मामले में पंजाब पुलिस कवि कुमार विश्वास के घर पहुंची। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार सतर्क, करीब 2000 साइटों की हुई जांच। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से सतर्क है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि अब तक 1915 साइटों की जांच की जा चुकी है। डीजीपी दिलबाग सिंह का दावा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पहले से बेहतर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पल्ली पंचायत का दौरा किया है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।